हेलो चिल्ड्रेन, ये क्या है? ये है अक्षर न। हमने हिंदी में त थ द ध सीख लिया है, आज हम लोग सीखेंगे अक्षर न। तो चलिए न से देखते हैं आपकी पुस्तक में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। यह क्या है? यह तो आप सभी के घरों में है। ये क्या है? नल। न से नल। नल से क्या आता है? पानी। और ये क्या है? ये नथ। नथ। नथ हम लोग कहाँ पहनते हैं? नाक में। आपने देखा होगा नथ पहनती हैं मम्मी, दुल्हन नथ पहनती हैं। ये देखिए, ये है नदी। नदी। नदी में क्या बहता है? पानी। नदी लंबी भी होती है, छोटी भी होती है, और नदी में पानी बहता है। ये है नगर। नगर। नगर मतलब शहर, छोटा शहर। जैसे मुजफ्फरपुर हमारा क्या है? एक नगर है, एक शहर है, तो हम लोग उसे नगर भी कहते हैं। ना हम लोग कहाँ से बोलते हैं? नाक से। इसका उच्चारण स्थान है नासिका। अब चलिए मैं आपको कुछ और शब्द दिखाती हूँ। ये है नासे। नमक। नमक हम लोग खाने में डालते हैं। बिना नमक के खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, है ना? और ना से क्या होता है ये पहचानिए, क्या है आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी में, आपके बॉडी में? ये है नाक। ना से नाक। और जब हम लोग किसी से मिलते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नमस्ते। नमस्ते। ना से नमस्ते। और पानी में क्या चलता है? ना से नाव। ना से नाव। और आप अपने घरों में, आसपास में, या जब आप बातें करते हैं तो देखिएगा कि आपको ना कहाँ कहाँ सुनाई देता है। जैसे ना से नाना, ना से नानी, ना से नींबू, ना से नींद, काफ़ी सारे शब्द हैं। जब आप शब्द बोलेंगे तो ना अक्षर को पहचानेंगे। चलिए अब हम लोग ना लिखना सीखते हैं। ना लिखने के लिए हम लोग लाइन के बीच से शुरू करेंगे। पहले हम लोग बीच में पेंसिल रखेंगे और नीचे आएंगे छोटी लकीर लेते हुए, फिर ऊपर जाएंगे तिरछी लकीर बनाते हुए, और फिर सीधी पड़ी लकीर। फिर से देखिए, छोटी सीधी लकीर, ऊपर की ओर तिरछी लकीर, पड़ी लकीर, ऊपर से नीचे खड़ी लकीर। एक बार फिर, नीचे छोटी लकीर, ऊपर की ओर तिरछी लकीर, पड़ी लकीर, बगल में खड़ी लकीर, छत। इसी तरह आप बिंदुओं को मिलाकर ना लिखेंगे अपनी पुस्तक में, और फिर हम लोग जिस तरह रफ कॉपी में टू टू फिंगर लेकर लिखते हैं, उसी तरह ना लिखने का अभ्यास करेंगे।